कुछ इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन भी होता होगा। मीटिंग स्टार्ट होते ही रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। ये बात समझ में आती है। अब देखो जैसे कुछ फिजिकल सिस्टम जो ऐसे हम करेंगे, एक तो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम देखा, मान लो मैंने दो स्प्रिंग लगा दी, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। और स्मूथ सरफेस पे रख दिया, M मास का ब्लॉक, क्या ये ब्लॉक SHM करेगा क्या? Initially both the springs are in their respective natural lengths. देखो ऐसे ही natural length वाली position पे ये block है ना, और आप इसको कुछ वेलोसिटी वगैरह नहीं देते हो, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कराते हो, तो क्या ये SHM अपने आप ही करने लग जाएगा? नहीं सर, नहीं करेगा, उधर ही खड़ा रहेगा, उधर ही खड़ा रहेगा भाई। ना फोर्स है ना वेलोसिटी, ना फोर्स है ना मोमेंटम, तो स्थिति कैसे चेंज हो, समझ रहे? मान लो हमने पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस किया और फिर रिलीज कर दिया, है ना, तो हमें क्या करना है, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता करना। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम मीन पोजीशन, find the time period of its oscillation. देखो अगर मैं स्प्रिंग जुड़ी होती तो हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि यार ये कहीं ऐसे चल तो नहीं, क्योंकि यदि SHM है तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले हमारे पास हैं, डायरेक्टली है। क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला SHM में? 2 पाई रूट एम बाई के या 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो SHM है या नहीं ये चेक करने लग जाते हैं, SHM की कंडीशंस पे चले जाते हैं। पहली कंडीशन क्या है, कौन बच्चा है तीनों कंडीशन बता देगा मेरे को? ठीक है, देखो बेसिक कंडीशन तो वो तीन है हमारे पास। कौन सा? एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जहां पे फोर्स जीरो हो, उस पोजीशन को नाम क्या दे देंगे? मेन पोजीशन, मेन पोजीशन जहां पे फोर्स जीरो, वहां उसके आसपास फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होनी चाहिए, तरफ होनी चाहिए। और तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। मान लेते मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या सम कांस्टेंट इनटू एक्स के टाइप का आना
चाहिए। देख आप वेरीफाई करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो क्या अभी पार्टिकल मेन पोजीशन पे है, अभी इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, दोनों स्प्रिंग अपनी लेंथ पे है, तो नेट फोर्स ऑफ कोर्स कैसा लग रहा है, जीरो। लेकिन जब मैं पार्टिकल को इस पोजीशन से थोड़ा एक्स राइट या लेफ्ट में ले जाता हूं, सपोज एक बार में एक ही केस ले सकते हैं, राइट में ले गए, राइट में ले गए, इसका मतलब क्या है, ये इसके राइट एज की पोजीशन, वहां से मैं क्या किया एक्स राइट, तो क्या ब्लॉक की कंडीशन ऐसी है, ये राइट वाली स्प्रिंग का क्या होगा, क्या ये एक्स ही अमाउंट से कंप्रेस हो जाए, एक्स अमाउंट से ये कंप्रेस हो जाएगी, तो किधर फोर्स लगाएगी ये ब्लॉक, सर लेफ्ट में, और कितने मैग्नीट्यूड का लगाएगी, मैग्नीट्यूड सर के एक्स K2X. K2X ऐसा, क्या मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट वाली स्प्रिंग उतने ही अमाउंट से इलोंगेट हो चुकी है, इलोंगेट हो चुकी है लेफ्ट वाली स्प्रिंग, तो वो किधर फोर्स लगाए, लेफ्ट में लगाए, वो भी इस पर फोर्स लगाएगी किधर, लेफ्ट, और वो कितना लगाएगी, क्या K1X के बराबर का फोर्स वो भी लगाएगी, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा जी, K1 प्लस K2 इनटू, क्या नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड K1 प्लस K2 इनटू X के बराबर आ गया बच्चों, where x is displacement from mean position, क्या direction of net force mean position की तरफ है, भाई ये mean position है, जब इसको आप यहाँ ले आओगे तो net force ऐसा लगने लगा है, जब उधर ले जाओगे तो net force इस तरफ लगने लगे, क्यों, जब आप इसको left में ले गए तो left वाली spring compress हो गई, वो इधर force लगा, right वाली spring elongate हो गई, वो भी अपनी तरफ force लगा, क्या इस तरह का हो जाएगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 इनटू X के बराबर, है ना, और डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं, एक पोजीशन होनी चाहिए जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, उसके आसपास नेट फोर्स की डायरेक्शन उसकी तरफ होना चाहिए, और displacement from mean position के directly proportional net force का magnitude होना चाहिए, ये SHM करेगा, करेगा, yes sir, yes sir, अब time period of SHM क्या होता है जी, time period of SHM का formula हमें याद रखना है, 2 pi under root कितना m by k, जहां पर k होता है force constant, ये क्या होता है बच्चों, फोर्स कांस्टेंट, केस फोर्स कांस्टेंट, है ना, अब यहां पे फोर्स कांस्टेंट की जगह K1 प्लस K2 लिखते हैं क्या बच्चों, यस सर, जो F directly proportional to X में जो proportionality constant आता है जब equality लगाते हैं, वही तो force constant, नहीं, अगर कोई हमसे पूछे कि angular frequency क्या है, तो angular frequency का क्या formula होता है, under root K by M, K को क्या लिख देंगे बच्चों, K1 plus A2 divided by M कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, ये कैसे आया,
भाई ध्यान दो, फोर्स माइनस के एक्स हम लेकर के चले, एक्सेलरेशन हमने माइनस के बाय एम इनटू एक्स लिख दिया, और के बाय एम को क्या नाम दे दिया था जी, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट के बाय, है ना। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहा है अभी के बाद? देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, इन वन सेकंड पर्टिकुलर पोजीशन, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में। वैसे फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। That a particle completes एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस पार्टिकल कंप्लीट कर लेता है उसको क्या बोलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को यूनिट क्या होती है, यूनिट इज 1/2 सेकंड या सेकंड इनवर्स, या इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, सेकंड इनवर्स, या इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। अब क्या ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं तो 1/T आ जाएगी, यूनिटरी मेथड हमने लगा दिया। कैपिटल टी टाइम में कंप्लीट होता है एक ऑसिलेटर, तो एक सेकंड में कितने कंप्लीट होंगे, 1/T ऑसिलेटर। मान लो एक ऑसिलेशन को पूरा होने में 1/3 सेकंड्स लगते हैं, कितने लगते हैं, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन पूरे हो जाएंगे, फिर तीन ऑसिलेशन पूरे हो जाएंगे, नहीं 1/3 1/3 1/3 तीन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को 1/5 सेकंड लगता है, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, 5। फ्रीक्वेंसी को 1/T लिख सकते। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूंगी सर, वहां पे वो कैपिटल टी टाइम पीरियड है ना, कैपिटल टी इज, यस कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2π/ओमेगा, या हो जाएगा कितना, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2π/ओमेगा या ओमेगा डिवाइडेड बाय बेटा। हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, ओमेगा को क्या 2π/f लिख सकते हैं जी? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/f, है ना।
अच्छा मतलब ओमेगा और एफ की यूनिट सेम ही, डायमेंशंस तो सेम ही हो, है ना? अच्छा क्या मैं अगर मान लो ये निकालना चाहूं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पार्टिकल कंप्लीट्स इन टू पाई सेकेंड्स, टू पाई सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, तो क्या आंसर आएगा इसका? टू पाई बाई टी आ जाएगा, या टू पाई एफ भी लिख सकता हूँ क्या उसको, टू पाई बाई टी या टू पाई एफ भी लिख सकता हूँ क्यों बच्चों? मतलब देखो ये भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी तो हुई, हाउ मेनी ऑसिलेशंस पार्टिकल इज कंप्लीटिंग, बट जस्ट दैट हम उसको क्या है पर सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पर टू पाई सेकंड्स। क्यों हम ये नहीं कैलकुलेट कर रहे एक सेकंड में कितना कर रहा है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं टू पाई सेकंड में कितना है ना, तो इसलिए ओमेगा को क्या नाम दे देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा की यूनिट अगर आप देखोगे तो रेडियन पर सेकंड आती है बेटा, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की यूनिट क्या होती है जी, रेडियन पर सेकंड। क्यों देखो x ऐसे लिखा होता है ना, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, अभी ये जो साइन के अंदर जो लिखा हुआ है ये एंगल है कोई, तो इसकी यूनिट तो रेडियन होनी चाहिए, इसका मतलब ये फाइव भी रेडियन होना चाहिए और ओमेगा t भी रेडियन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, दोनों रेडियन होने चाहिए। अब दोनों रेडियन है तो टाइम तो सेकंड है, तो क्या इसको रेडियन पर सेकंड बोलेंगे? बोलिए जी, क्या ये बात समझना थी, क्या इसको रेडियन पर सेकंड बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्या रेडियन पर सेकंड, और नाम क्या होगा इसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना?
ठीक है जी। और कुछ फिजिकल सिस्टम्स हम ले उसका SHM का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कुछ ऐसा हो, ये ऐसा है बेटा, दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना 2K, और दोनों एक अपनी रेस्पेक्टिव नेचुरल लेंथ में है, है ना, दोनों अपनी रेस्पेक्टिव नेचुरल लेंथ में है। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस पता करो, क्या होगा टाइम पीरियड इसका? क्यों, फटाफट से देखो, इसको राइट में एक्स लेके गए, दोनों स्प्रिंग में एक्स एक्स इलोंगेशन हो जाएगा, दोनों किधर फोर्स लगाने लग जाएंगी, लेफ्ट में ऊपर वाली लगाएगी के एक्स, नीचे वाली लगाएगी 2KX, ब्लॉक में नेट फोर्स कितना लग गया जी 3KX, राइट में लेकर के गए तो नेट फोर्स लेफ्ट में, लेफ्ट में लेकर के जाओगे तो नेट फोर्स लग लग जाएगा इधर राइट में। क्या सारी तीनों कंडीशन SHM की सेटिस्फाई हो गई और इक्विवेलेंट फोर्स कॉन्स्टेंट के प्लस 2K यानी 3K आ गया? क्यों, टाइम पीरियड 2π√m/3, समझ आएगा? अब मान लो जी हमने क्या किया, थोड़ा सा Find the time period of small oscillations around mean position.
देखिए बच्चों ये मैं बता दूं तुमको, देखो क्या अभी ब्लॉक अपनी नेचर मतलब मेन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे चेक करते हैं, वहां से एक्स डिस्प्लेस करते हैं, देखते हैं भाई फोर्स का क्या हो रहा है। तो इसको थोड़ा राइट लेकर जाऊं। अब एक बात बताओ, ब्लॉक के कांटेक्ट में कौन सी स्प्रिंग है, स्प्रिंग टू या स्प्रिंग वन? स्प्रिंग टू। स्प्रिंग टू। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ब्लॉक पे फोर्स सिर्फ स्प्रिंग टू ही लगा रही है? Yes, स्प्रिंग वन भी लगा रही? सर सर दोनों स्प्रिंग लगानी चाहिए ना सर? स्प्रिंग वन तो स्प्रिंग टू पे फोर्स लगाएगा जो वो ब्लॉक पे लगाएगा। बिल्कुल। देखो क्या होगा, ब्लॉक पे दोनों स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएंगे। स्प्रिंग फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है ना? नहीं हाँ ये बोल सकते हो कि स्प्रिंग टू के फोर्स में स्प्रिंग वन का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, है ना? स्प्रिंग वन स्प्रिंग टू पे फोर्स लगाएगी और स्प्रिंग टू किस पे लगाएगी? हमसे पूछा जाए ब्लॉक पे कौन फोर्स लगा रहा है तो उसका क्या जवाब होगा? ओनली स्प्रिंग टू, स्प्रिंग वन फोर्स नहीं लगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक को मान लो एक्स डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा जैसे ही ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करूंगा, जो ये स्प्रिंग टू का राइट एंड है, क्या ये भी एक्स ही डिस्प्लेस हो जाएगा क्या? ये भी कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? एक्स। होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट भी थोड़ा तो आगे बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना? क्या ये पॉइंट यहीं पे रह जाएगा? ये भी चल सकता है, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे पहुंच। अच्छा ये वाला पॉइंट मतलब इनको नाम ही दे देता हूं मैं, ए बी सी। बी पॉइंट जितना आगे बढ़ेगा, क्या मैं बोल सकता हूं स्प्रिंग वन में उतना ही इलोंगेशन आ जाए? तो इसको मान लेता हूं कितना, एक्स वन, और जितना ये आगे बढ़ा उतना ही स्प्रिंग वन इलोंगेट हो। उतना ही स्प्रिंग वन इलोंगेट हो। बोलिए जी। अब रही बात स्प्रिंग, देखो इसका मतलब एक्स वन क्या हो गया, एक्स वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विच इज इक्वल टू इलोंगेशन इन स्प्रिंग वन। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, या इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक भी बोल सकता हूं। बोलो बेटे, क्या स्प्रिंग टू में इलोंगेशन एक्स के बराबर होगा क्या? नहीं सर, एक्स माइनस एक्स वन होगा। बिल्कुल सही बात। कितना होगा, देखो ऐसा है, ये स्प्रिंग को देखो, ये वाला एंड एक्स आगे गया, अगर ये एंड रुका रहता तो इसमें इलोंगेशन कितना हो जाता, एक्स ही हो जाता, लेकिन ये एंड एक्स वन इधर चला गया तो अब नेट इलोंगेशन कितना बचा, क्या एक्स माइनस एक्स वन बोल सकते हैं? इलोंगेशन इन स्प्रिंग टू को क्या एक्स माइनस एक्स वन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? इलोंगेशन इन स्प्रिंग टू को क्या लिख सकते हैं,
x माइनस x1। बोलिए जी। अब हमने क्या कहा था, ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रहा है? बोलिए, स्प्रिंग टू लगा रही है कि स्प्रिंग वन लगा रही है या दोनों spring लगा two. रही है? स्प्रिंग टू, स्प्रिंग टू लगा रही है। तो स्प्रिंग टू के फोर्स को क्या मैं के टू एक्स टू ऐसा लिख दूं क्या? स्प्रिंग टू के फोर्स को क्या लिख दूं, के टू एक्स टू? बोलिए सर, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ना, वेयर एक्स टू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन। क्या ऐसा हो जाएगा? स्प्रिंग टू का एलोंगेशन वो क्या है, x माइनस एक्स वन। अब देखो यहां से मैं अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा, मतलब SHM होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। मुझे तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड चाहिए वो सिर्फ x के टर्म्स में चाहिए और बाकी सारा कांस्टेंट आना चाहिए, सम कांस्टेंट इनटू x। क्या ऐसा आना चाहिए? क्या अभी ऐसा आ रहा है? नहीं सर। क्या दिक्कत हो रही है? x1 जबरदस्ती के आया हुआ, x1 हमने माना हुआ है ना अलग से, x1 को हम मतलब एलिमिनेट करना चाहते हैं एक तरीके से। क्यों? वी वांट टू एलिमिनेट x1, और x1 की जगह क्या लाना चाहते हैं, x ही आ जाए किसी तरीके से। एक काम कर सकते हैं क्या, स्प्रिंग वन और स्प्रिंग टू को एक सिस्टम मान लेते हैं। नहीं देखो, देखो क्या एक बात समझिए आप, क्या दोनों स्प्रिंग में टेंशन सेम होनी चाहिए? देखो ये पॉइंट बी है ना, ये बेचारा मासलेस आदमी, क्यों एक तरफ से इसको स्प्रिंग टू खींच रही, एक तरफ से स्प्रिंग वन खींच रही है ना, और न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट इक्वल टू एम ए, एम जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन ए मासलेस ऑब्जेक्ट मस्ट बी। तो आप अगर इस बी पॉइंट को देखोगे और इस पर फोर्स बनाओ, देखो ये वाली स्प्रिंग है तो इलोंगेटेड, ये स्प्रिंग भी इलोंगेटेड, इलोंगेटेड है तो बी पर फोर्स ऐसे लगा रही और ये ऐसे लगा रही, क्या हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग टू मस्ट बी सेम एज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग वन बिकॉज दिस इज अ मासलेस ऑब्जेक्ट। On any massless object, हमेशा ध्यान रखो नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है जी, तो हम लिख सकते हैं। और देखो वैसे भी क्या है, ये स्प्रिंग्स भी आपस में मासलेस ही हैं, हम कैसी स्प्रिंग्स कंसिडर करते हैं, मासलेस, वेरी लाइट स्प्रिंग। अब वेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, उनमें टेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो क्या है, हम लिख देंगे k1 x1 is equal to k2 into x minus x1। स्प्रिंग वन में टेंशन कैसे लिखेंगे, स्प्रिंग वन का फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका इलोंगेशन, स्प्रिंग टू में टेंशन कैसे लिखेंगे, उसका फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग टू का इलोंगेशन, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? तो आपके पास क्या आ जाएगा, k1 x1 is equal to k2 x minus k2 x1, ये इधर आ गया, तो हमारे पास k1 plus k2 into x1 बराबर आ गया किसके, k2 into x के। तो x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, k2 into x upon k1 plus k2, क्या x1 की इतनी वैल्यू आ जाएगी? बोलिए, और x1 को x के टर्म्स में ही तो लाना चाहते थे अपन,
ये जो x1 की वैल्यू आई है उसको नेट फोर्स ऑन ब्लॉक के एक्सप्रेशन में पुट कर दो इस, तो f नेट ऑन ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k2 इंटू एक्स माइनस के टू एक्स अपॉन के वन प्लस के टू, ये वैल्यू क्या ऐसा हो जाएगी के टू के वन एक्स अपॉन के वन प्लस के टू, क्या नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इतना हो जाएगा जी? नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना हो जाएगा के वन के टू एक्स अपॉन के वन प्लस के, क्या नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इतना हो जाएगा के वन के टू एक्स अपॉन के वन प्लस, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक अब मैं बोल पा रहा हूं एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो जो इसका के आ जाएगा वो कितना हो गया के वन के टू अपॉन के वन प्लस, तो टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ गई जी टू पाई अंडर रूट एम बाई K1 K2 अपॉन K1 प्लस, है ना? आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि क्या है अगर दो स्प्रिंग्स वन आफ्टर द अदर इस तरह से कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों K1 K2 अपॉन K1 प्लस, है ना? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो वन अपॉन के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं क्या वो के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू ऐसा आ जाएगा, क्या इसको वन बाई के टू प्लस वन बाई के वन ऐसा लिख लेंगे, वन बाई के इक्विवेलेंट को लिख लेंगे कितना वन बाई के टू प्लस वन बाई, क्यों जी वन बाई के इक्विवेलेंट को क्या लिख लेंगे वन बाई के टू प्लस वन बाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ज्यादा स्प्रिंग्स हैं तो तब भी ऐड होता जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंसेस एंड लाइक रेजिस्टेंसेस, एक तरीके से यहां पर स्प्रिंग सीरीज में है लेकिन फॉर्मूला कौन सा लग रहा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये याद रखने का तरीका है ना। ऐसा तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इसका वन बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस वन बाई, है ना? तब ये फॉर्मूला लगेगा, तब ये ऑसिलेशन तो होगा, ये फॉर्मूला तब नहीं लगेगा, है ना? मतलब ऐसा हो सकता, ऐसा कर सकते हो तुम कैसे, मान लो आपको कह दिया जाए कि तीन स्प्रिंग्स हैं, तीनों का फोर्स कांस्टेंट क्या है के, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस,
सेकंड स्प्रिंग के बाद की एक नहीं नहीं वो एक काफी कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा है ना, कि सेकंड स्प्रिंग के बाद भी हमने क्या लगा दिया, एक ब्लॉक लगा दिया, मतलब दोनों फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से एसएचएम कर रहे हैं है ना, और क्या है अलग अलग चल सकते हैं वो दोनों, और एक का मोशन दूसरे के मोशन को अफेक्ट करेगा ही सही, तो वहां पर स्थिति थोड़ी अलग हो जाएगी, ऐसा केस जरूर अपन हैंडल कर सकते हैं। क्या होगा इसमें, इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगा दें, 1/k equivalent = 1/k + 1/k, के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई k/2, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया k/2, और यह है k, क्या हो जाएगा आपके पास, एक k है एक k/2, इसका मास है m। अब इस केस में क्या होगा, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाएगा क्या, क्योंकि वही ब्लॉक को आपने राइट पे डिस्प्लेस किया, वन स्प्रिंग विल गेट इलोंगेटेड बाय द सेम अमाउंट, अदर स्प्रिंग विल गेट इलोंग कंप्रेस बाय द सेम अमाउंट, तो इस केस में क्या टाइम पीरियड को लिख सकता हूं 2π√m/k + k/2, 2m/ टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 2π√2m/ है ना, बात समझ में आती। अच्छा एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि एक स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट होता है ना वो उसकी नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, कहने का मतलब क्या है, ये स्प्रिंग मैंने लिया, इस स्प्रिंग को मैंने कट कर दिया मान, L/2 लेंथ के दो टुकड़ों में कट कर दी, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता है कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ हो गई नेचुरल लेंथ हो गई आधी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया डबल, नेचुरल लेंथ 1/3 कर देते तो 3k हो जाता, नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करेगा। देखो क्या है अल्टीमेटली ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता तो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, और हमने देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो वायर का एक वायर के बारे में हम क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को y∆L/L लिखते हो और फोर्स को क्या लिखते हो y A/L (∆L), कैसा लिखते हैं फोर्स, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन आता है और ये एक तरह का स्प्रिंग कांस्टेंट का काम करता है, तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, तो ये होता है, क्या होता है नेचुरल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ किस पे भी डिपेंड करता है, नेचुरल लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड
है ना। देखो ये चीज जानने की जरूरत क्यों है, कभी कभी इस पे सवाल आ जाते हैं, पूछ लेते हैं वो क्या है, हमने क्या किया, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इस कट इनटू टू इक्वल हाफ, लिख लो क्वेश्चन लिखो, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इस कट इनटू टू इक्वल हाफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इस कट इनटू टू इक्वल हाफ ईच ऑफ लेंथ कितना, ठीक है एल नॉट बाय टू, एंड दीज टू पार्ट्स आर कनेक्टेड विद द ब्लॉक एज शोन, these two parts are connected with a block as shown, find the time period of small oscillations of the block, find the time period of small oscillations of the block, find the time period of the small oscillations of the block. हाँ बोलिए बेटे, आपने वो इलास्टिसिटी वाला वो नीचे बताया ना, F by is equal to y delta L by L, हाँ वो एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ बेटे, भाई देखो हमने इलास्टिसिटी में ये पढ़ा था ना, यंग्स मॉडुलस कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यस सर, यानी के यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन कर देंगे तो F अपॉन एरिया ऐसा आ जाएगा, यस सर। इसका मतलब जो वायर में जब डेल्टा L इलोंगेशन होता है तो उसके अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, यस सर। F इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा, इसका मतलब वो वायर अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है क्या वो उसके इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो इतना है, तो वायर का के को के मैं वाई ए बाई एल ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर। क्या यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि के जो है वो नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मैंने दो वायर लिए दोनों कॉपर के हैं, दोनों बराबर बराबर रेडियस के हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, एक की लेंथ कम है एक की लेंथ ज्यादा है, नेचुरल लेंथ की बात कर रहा हूँ, एक की नेचुरल लेंथ कम है एक की नेचुरल लेंथ, तो जो कम नेचुरल लेंथ वाला होगा वो ज्यादा स्टिफ होगा, उसका के ज्यादा होगा, जो कम लेंथ वाला है उसमें अगर मैं सर्टेन इलोंगेशन करूं और ज्यादा लेंथ वाले में भी उतना ही इलोंगेशन करूं तो क्या होगा, कम लेंथ वाले में ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात है ना यार कि फोर्स का जब फोर्स कांस्टेंट अपन लिख रहे हैं तो हम इलोंगेशन से चलते हैं, न्यूटन पर मीटर, मतलब दो वायर का आपको फोर्स कांस्टेंट कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करोगे, दोनों में बराबर बराबर इलोंगेशन करने पर किसमें ज्यादा फोर्स डेवलप हो रहा है तो उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है, लेकिन वाकई में इलास्टिसिटी की थ्योरी क्या कहती है कि परसेंटेज इलोंगेशन मतलब फ्रैक्शनल इलोंगेशन मैटर करता है, क्या मैटर करता है, डेल्टा एल बाई एल मैटर करता है, तो जाहिर सी बात है कि क्या है
अगर आपने छोटे वायर में भी 1 mm elongation कर दिया और बड़े वायर में भी 1 mm elongation कर दिया, तो छोटे वायर में फ्रैक्शनल इलोंगेशन ज्यादा हुआ ना बेटे, डेल्टा एल बाई एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो उसमें ज्यादा फोर्स जनरेट होगा इन कंपैरिजन टू द वायर विच वाज ऑलरेडी लॉन्गर. यस सर. क्यों? तो ये थोड़ी सी फील आती है अपने को कि भाई क्या है, जिसकी नेचुरल लेंथ कम है उसमें भी आप उतना ही कंप्रेशन कर रहे हो, जिसकी नेचुरल लेंथ ज्यादा है उसमें भी उतना ही कंप्रेशन कर, तो क्या होगा, जिसकी पहले से नेचुरल लेंथ कम है उसमें परसेंटेज कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो. तो यहां पर क्या होगा, क्या दोनों का फोर्स कांस्टेंट 2k 2k हो जाएगा जी? इसका k है तो इधर वाले का कितना हो जाएगा 2k, इसका भी 2k. ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर 4kx टाइप का फोर्स लगेगा, तो क्या टाइम पीरियड को 2π अंडर रूट m बाई 4k लिख पाएंगे बच्चों? टाइम पीरियड को 2π अंडर रूट m बाई 4k लिख पाएंगे, या 4 को बाहर ले लो, पाई रूट व्हाट m बाई k है ना. हाँ, एक स्प्रिंग के से अगर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या हो गया, हाँ है ना, ये बात है. थोड़ा सा ब्रेक लें फिर कंटिन्यू करें. ओके जी. क्या बोल रहा है?